हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी, आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत ही अलग और यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ। और आज हम सारा काम बचे हुए कपड़ों से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास 10x20 इंच के दो पीस पड़े हुए थे। मैंने जैसे बताया कि मैं बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल बता रही हूँ और बहुत ही यूज़फुल है ये और आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो ये 10x20 इंच के दो पीस हैं मेरे पास। पहले मैं क्या करूँगी, जो 20 इंच का एरिया है इसको सिल के 20x20 का बना दूंगी। अब इसको हमने सिल दिया, ये बीच में हमारा जॉइंट आ गया। ये 20x20 का एक पीस मैंने रेडी कर लिया और यहाँ पर मैंने एक राइस बैग का पीस कट किया है जो उससे थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर साइज़ कोई मायने नहीं रखता है, आप अपने हिसाब से ही इसको ले सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसको पहले हम पिन कर लेंगे और यहाँ पर आज सारी जितनी लंबी कतरने बचती हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं हमेशा इकट्ठा कर लेती हूँ, उनका इस्तेमाल करूँगी। तो उन्हीं कतरनों में ये एक बड़ा पीस भी था मेरे पास, तो उसको मैंने जोड़ लिया है और इसको पहले हम पिन कर लेंगे जिससे कि ये हिले नहीं, क्योंकि राइस बैग थोड़ा तो टाइट होता ही है, वो कपड़े को खिसका सकता है। इसको हम पिन कर लेते हैं। जो नीचे का कपड़ा थोड़ा बड़ा है उसको थोड़ा बाहर ही रखेंगे। अब इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको रेडी करने के बाद इसको अभी हम रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा दूँ कि इस तरह की जो कतरने हैं वो मेरे पास कुछ इस तरह से हैं। देखिए, ये छोटी है तो ये ढेर सारी छोटी किसी काम के लिए काटी रही होंगी, तो ये छोटी छोटी बच गई हैं मेरे पास। और ये दो पीस ये बचे हैं, दो तीन पीस। और अभी इसको काटने के लिए मैंने साइज़ में लाने के लिए इसको भी कट किया था, तो मैंने इसको भी रख लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की जो कतरने हैं पहले उनको हम एक लंबी पीस बना लेंगे, एक जैसे प्रिंट को एक साथ अटैच कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही तीन हैं, तो इनको मैं जोड़ लेती हूँ। ये एक लंबी पट्टी हमारे पास इस तरह से रेडी हो गई। अब इसको अलग रख देते हैं, ये जो कट किया था इसको भी जोड़ देते हैं। एक लंबी पट्टी हमको ये भी मिल जाएगी। अब इन सबको इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, छोटी छोटी पट्टियां हैं, इनको जोड़ लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी काफ़ी लंबी पट्टी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से छोटी छोटी कतरनों को इकट्ठा करते रहिए और एक दिन बैठ के जोड़ डालिए। लंबी पट्टियाँ एक डिब्बा बना लीजिए या कोई एक बास्केट, मैंने बताई थी वो बास्केट रेडी कर लीजिए। उस तरह से कई बास्केट बना लीजिए, जो भी जहाँ भी आप कार्डबोर्ड के बॉक्स में भी इस तरह से अलग अलग कतरनों का अलग अलग एक डिब्बा बनाते जाएंगे तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मुझे ये एक जगह पर सारी पट्टियाँ मिल गई, मैं उनमें डालती जा रही थी, तो ये एक लंबी पट्टी हमको इस तरह से मिल गई। तो इस तरह से ये मेरे पास इतनी सारी कतरने हैं, ये सब लंबी पट्टी की हैं। कभी पाइपिंग के लिए कट करती हूँ, कभी कपड़े बैग वगैरह के लिए कट करती हूँ, तो उसमें से ये साइड में बच जाते हैं। ये कुछ फॉल हैं मेरे पास नए वाले, तो इनको कभी पाइपिंग के लिए काटा रहा होगा, ज़्यादा कट गए तो इसको भी रख लिया इसी में। ये सूट का कपड़ा है मेरा जो दर्जी के यहाँ से उठा लाती हूँ, तो इसकी भी पट्टी मैंने रेडी कर ली। ये देखिए, ये वुलन पीस का कपड़ा है, ये सब इस तरह से मिक्स मैच करके सारे कपड़े हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको बनाना है। अब राइस बैग की तरफ से पहले हम एक साइड से और एक साइड एल शेप में इसको फिक्स कर देंगे। दो साइड खुला रखेंगे। हमने दो साइड से फिक्स कर दिया। और एक चीज़ यहाँ पर और ज़रूरी है कि जो नीचे भी आप बेस में जो भी कपड़ा लगा रहे हैं उसमें आपका धागा मैचिंग का होना चाहिए और ऊपर कोई भी धागा चलेगा,
नीचे बॉबिन में आपको धागा मैचिंग का ही डालना है। इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ आप बनाएंगे उसमें एक सफाई आएगी। तो ये जो साइड की पिन थी अभी हमने इसको निकाल कर इस साइड में लगा दिया है, जिससे कि कपड़ा अपनी जगह स्टेबल रहे। अब हम लेंगे कोई भी कतरन और काम शुरू करेंगे। तो इस तरह से लंबी पट्टी को पहले सीधा रखेंगे और सीधा ही जोड़ देंगे एक साइड से। अब अभी एक साइड हमारा खुला है, पट्टी हमारी है। अब लेंगे हम दूसरी पट्टी और इसके साथ एक कोशिश करें कि एक प्लेन और एक प्रिंटेड लग जाए। तो अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके साथ जोड़ते हुए इसको अटैच करेंगे। पट्टियों का साइज़ यहाँ पर जो पट्टियों की जो विड्थ है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा नहीं, 2 इंच का ही इसका हमें पीस रखना है। और ये 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। और इसके बाद आप चाहें तो मतलब 1 इंच से 2 इंच के बीच हमारी पट्टियों की चौड़ाई होनी चाहिए, 3 इंच की चौड़ाई अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह इस चीज़ का ध्यान रखें, 2 इंच से लेकर 1 इंच मतलब दो इन दोनों के बीच में जो भी आपको आपकी पट्टी मिल जाए उसको ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लगाना चाह रही हूँ, लेकिन इसकी लंबाई कम है। ये भी एक मेरे पास उसी कपड़े की पट्टी है, तो इसको मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से रखते हुए काम करेंगे और इसके ऊपर लगा करके इसको भी सिल देंगे। इस तरह से ये दिखेगा, तो ये अपने आप में फोल्ड होता चला जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रिंट जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पट्टी है मेरी 2 इंच से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी कि इसमें अंदर दबाव देते हुए यहाँ से पट्टी रख के दूसरी पट्टी होगी उसको अंदर इतना यहाँ से सिलाई करूँगी, जिससे कि हमारी जो चौड़ाई है कपड़े की सिलने के बाद इसके सिमिलर आ जाए। तो जो चौड़ी पट्टियाँ हैं अगर वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं तो अगर आप काट सकती हैं तो काट दीजिए, और नहीं तो उसी के अंदर दबा दीजिए। अब जैसे मैं इसको इतना बाहर रखते हुए इसके साथ यहाँ पर जोड़ दूँगी। ये देखिए इसकी पट्टी जो चौड़ाई है इस पट्टी की वो इन सब के बराबर आ गई। ये थोड़ी पतली हो गई, ये थोड़ी चौड़ी हो गई, ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई, ये और ये एक साथ हो गई। तो इस तरह से सारी पट्टियों को लगाना है। अब ये भी थोड़ी चौड़ी है, इसको भी हम इतना यहाँ पर सिलाई में दबा देंगे। 1/2 इंच के लगभग जब दबाएंगे तो ये अपने आप में साइज में आ जाएगी। अब ये 2 इंच से भी कम है, अब इसको लगा देते हैं। इस तरह से दबा ऊपर की तरफ डबल सिलाई दीजिए हमेशा, जिससे कि मजबूती बनी रहे। अब ये बहुत पतली पट्टी हो गई, इसका भी अपना एक लुक आएगा अलग से। और इसी तरह से पट्टियों को लगाते हुए इसे हमें पूरा कवर कर देना है।
और ये लास्ट में आ गया, उसको भी यहाँ सिंगल सिलाई दे करके पैक। इसको कंप्लीट करने के बाद अब ये जितने जोड़ हैं इन पे हमें मशीन चलानी है, क्योंकि ये जोड़ है कोई सिंथेटिक है कोई कॉटन है, जब हम इसको यूज़ करेंगे यूज़फुल चीज़ बना रहे हैं तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ से खुलने की संभावना रहती है, तो इसलिए हम जो सिलाई हमने की है उस पर एक एक मशीन चल रही है। और इस चीज़ को हमने कुछ इस तरह से रेडी कर लिया। अब इसके बाद हम अगला काम करेंगे, यहाँ पर इसमें हम फाइनल मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कपड़ा ख़त्म हो रहा है, यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पर हमको 20 मिल जाएगा। और यहाँ पर अब हम निशान लगाना शुरू करेंगे, तो हमें इसको ग्रेट 20x20 का लेना है, तो क्योंकि हमें स्क्वायर पीस चाहिए। पहले ऊपर नीचे चारों तरफ इसका हम 20 निकाल लेंगे और एक साइड से सीधी लाइन करके पहले ये जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने बढ़ा के कपड़ा लिया था, अब इसको हम यहाँ से पहले सीधा कट कर देंगे। साइड से भी सफाई कर देंगे और अब ऊपर जिधर से सफाई की थी उधर से 20 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद लाइन खींच के कट करके निकाल देंगे। अब ये 20x20 का स्क्वायर पीस हमारे पास हो गया। अब लेंगे हम यहाँ पर एक कोई भी न्यूज़पेपर पेपर को भी हम 20x20 इंच का रेडी कर लेंगे। तो ये फोल्ड है, यहाँ से 20 इंच पर इसको निशान लगा लेते हैं। ये 20 इंच पर निशान लगा लिया और बिना पेपर कटिंग के ये नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहें कि डायरेक्ट कपड़े पे कर लें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ये मेजर कर लिया है 20 इंच का, लाइन खींचेंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। पहले इसको कट कर देते हैं। कट कर दिया। अब ये हमारा फोल्ड है एक पूरा वन पेपर है वन पीस में, ये हमारा 20 है। अब इधर से हम 10 इंच ले लेंगे और भी एक लाइन खींचेंगे। और इसको भी कट करके निकाल देंगे। अब ये हमको 20x20 इंच का पूरा एक पीस स्क्वायर में इस तरह से मिल गया। अब क्या करना है, ये फोल्ड था इसको फोल्ड ही रहने देंगे, ये फोल्ड है ये ओपन है। अब इसको जस्ट आप मोड़ेंगे बराबर से और यहाँ पर इसमें क्रीज बना देंगे। क्रीज बनाकर इसको यहाँ पर लाइन खींच देंगे।
ये हमने लाइन खींच दी। अब ये सेंटर लाइन खींचने के बाद इस पेपर को यहाँ से फिर मोड़ेंगे और इस सेंटर से मिला करके इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर ट्विस्ट बना देंगे। ट्विस्ट बनाने के बाद इसको भी हम लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच ली, इधर भी लाइन खींच लेते हैं। ये फोल्ड किया और ये सेंटर ले लिया। अब यहाँ पर ये हमारा खुला है, यहाँ पर ये फोल्ड है। अब ये जो कोना है इससे हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको यहाँ पर मोड़ते हुए इस कॉर्नर को, यहाँ पर ये फोल्ड वाला हिस्सा है, इस कॉर्नर को इस लाइन से मिलाएंगे इस तरह। इस लाइन के बाहर जो फोल्ड है वो नहीं जाना चाहिए, इसके बराबर में रखेंगे। ये कॉर्नर यहाँ पर जो भी सेंटर लिया था उसका लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से क्रीज बना देंगे। अब इसको पीछे पलटेंगे तो ये हमने मोड़ चुके हैं। अब इस ये जो कोना है, ये फोल्ड वाला पेपर है, यहाँ खुला है, ये देखिए ये खुला हुआ हिस्सा है पेपर का हमारा, ये फोल्ड वाला हिस्सा है। अब इसको उठाएंगे, इसके साथ ये जो इधर फोल्ड किया था यहाँ पर मिला देंगे बिल्कुल बराबर से। ये एकदम बराबर से आ गया। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ये जो कोना है इस पेपर का, इसका निशान हम पीछे ले लेंगे, ये आ गया। और यहाँ पर ये जो कोना है, ये पेपर जो मुड़ा हुआ है इसका कोना, इन दोनों को मिला के लाइन खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दी। इस लाइन को खींचने के बाद पेपर को दबा के रखेंगे और इसको यहाँ पर कट कर देंगे। अब ये पेपर हमारा फाइनली कट हो गया है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमको कुछ, जिसको हिंदी में हम षटकोण बोलते हैं, अंग्रेजी में हेक्सागन बोलते हैं, वो शेप हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हेक्सागन बनाने की यही तरकीब है, जितना बड़ा पीस आपको लेना है, जैसे मैंने 20x20 का पीस बनाना था तो 20x20 का स्क्वायर पीस लिया और उसको इस तरह से फोल्ड कर कट कर लिया। अब इस पीस को हम इस पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए एकदम बराबर से आ गया है, बढ़िया बराबर से। ये कॉर्नर हमारे 20 में आने चाहिए और अब इसको इस तरह से रखते हुए इस पर कुछ वजन की चीज़ रख देंगे, ये हिले नहीं, और सारे कोनों को यहाँ से यहाँ इस तरह से स्केल रखते हुए स्केल से दबाएंगे और इसको यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। सीधी लाइन आएगी इस तरह से करने पे। कपड़े को हिलाना है, पेपर को नहीं हिलाना है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच लीजिए। फाइनली लाइन भी खींचिए। अब इस पेपर को हम हटा देंगे और कभी साइज आपको यही चाहिए, दोबारा कोई पीस बनाना हो तो इस पर पेंसिल से या पेन से साइज लिख दीजिए 20x20, तो आपको याद रहेगा और इसको स्टोर करके अपनी फाइल वगैरह में रख लीजिए, काम आता रहेगा। अब ये हमने जो लाइनें खींची हैं इन पर एक फाइनली पहले हम मशीन चलाएंगे। अब जो सिलाई की है उसके एकदम बारीक किनारे से इसको हम कट कर देंगे। ये फाइनली हमारा इस तरह से पीस निकल आया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 4 इंच की पहले लूप लेंगे और इसको बैक साइड में कहीं भी लगा देंगे। पाइपिंग चढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये नए फॉल का पीस लिया है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं फॉल की पाइपिंग अक्सर लगाती हूँ, अब उसको हम लगाना शुरू करेंगे।
यहाँ से हाफ इंच करीब मोड़ देंगे, बाहर की तरफ मोड़ेंगे और बीच से कहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें रबी पट्टी नहीं लगेगी, इसमें सीधी पट्टी ही लगेगी, तभी इसमें फिनिशिंग आएगी। तो अब इसको हम लगा देते हैं। कॉर्नर पे बहुत सावधानी से मशीन घुमानी है ताकि हमारा कॉर्नर अच्छे से बन सके। अब पैकिंग को हम बाहर की तरफ पलटेंगे और जो कोने हैं उनको इसमें कट नहीं करेंगे। कोना हमारा इसमें जो कॉर्नर है वो हमको चाहिए, इसको हम कट नहीं करेंगे। पैकिंग को बाहर की तरफ निकाल लेंगे अच्छे से और जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से फिनिशिंग भी देंगे। अब इसको एक के ऊपर चढ़ाते हुए और डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग देंगे। कॉर्नर पे यहाँ पर इसको जब इस तरह से मोड़ेंगे तो इस तरह से रखते हुए कॉर्नर बनाते हुए इस तरह से और तब सिलाई करेंगे। बचे हुए कपड़ों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल है और जो कपड़े से प्यार करते हैं, जो सिलाई से प्यार करते हैं, जो अपने फैशन से प्यार करते हैं, वो कोई भी चीज़ निकाल नहीं जाने देते। तो इस तरह से मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और आप लोगों में से एक हूँ। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो मैट है, ये मैट आप अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, चल रही हैं सभी, तो उसमें अगर आपके पास समय है तो ढेर सारी बना लीजिए, कन्याओं को उस पर बैठाइए और या पीढ़े पे कर दीजिए, इसको डाल दीजिए, क्योंकि ये सारे नए कपड़े हैं, कोई पुराना कपड़ा नहीं है। यहाँ तक कि राइस बोरी भी मेरे यहाँ खाली होती है तो वो भी नई ही होती है, फेंकी हुई नहीं रहती है। तो अंदर राइस बैग डाल दिया, नीचे नया कपड़ा, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मैं ये चादर जो है जो ठेले पे बेचते हैं, बेचने आते हैं, तो ये जोड़े से मिल जाती है, तो मैंने इसको भी खरीद के रख लिया था क्योंकि मेरे यहाँ से सेल भी होता रहता है। तो मैं पुराने कपड़ों का कुछ सेल नहीं करती हूँ, पुराने कपड़ों का अगर बनाती हूँ तो अगर किसी को पसंद आता है तो ले जाता है, बता देती हूँ कि पुराना है, लेकिन नए कपड़ा कोशिश करती हूँ कि जो खरीद के ले जाए वो नए कपड़े का ले जाए। तो ये सारे नए कपड़े हैं, इसमें कोई पुराना नहीं है। तो इस तरह से इसको हमने रेडी कर दिया। और राइस बैग आपको किसी दुकान से मिल जाएगी, आपके यहाँ भी राशन आता होगा, आपके पास भी होगी। राइस बैग नहीं है तो कोई भी अंदर मोटी चादर वगैरह डाली जा सकती है। सूट के अगर कपड़े हैं तो दो तीन बात कर दीजिए, उससे भी बन जाएगा। और सिलाई जिस तरह से मैंने बताई कि मैचिंग धागा लगाइए तो साफ सुथरा काम आपका रेडी हो जाएगा। कॉर्नर कट नहीं करने हैं, कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनाना है क्योंकि राइस बैग है तो उसने अपनी जगह ली हुई थी, टाइट है यहाँ पर, तो वहाँ पर कॉर्नर बनाने में आसानी। और एक लूप बना दीजिए, लूप से होगा कि ये जब हम इसको धोएंगे कभी गंदा हो गया तो इसको डाल दिया सूख जाएगा, क्योंकि ये उड़ भी सकता है, क्योंकि इसमें कोई ये स्क्वायर तो है नहीं, लंबाई में तो है नहीं, अगर हवा लगी तो ये उड़ सकता है। इससे अच्छा कि इसको कहीं इस तरह से लूप बना लीजिए और कहीं टाल करके क्लिप वगैरह में या कील पर इसको सुखा दें। इस तरह से ये दो मैट बनाइए। इस तरह से ये मैट, और ये मल्टीपर्पज मैट है, बच्चे खाना खा रहे हैं तो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें राइस बैग लगाया है तो जो भी खाना गिरेगा वो बेड पर नहीं गिरेगा, या जहाँ कहीं खा रहे हैं तो वहाँ भी नहीं गिरेगा, उनको उनके बैठ में, या पढ़ रहे हैं तो इसको बिछा दीजिए, बैठ कर पढ़ाई भी कर सकते हैं, पूजा के लिए भी रख सकते हैं, डोर मैट भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पास बड़ी टेबल है तो उसके सेंटर में रख करके इसमें शो पीस वगैरह या चारदाने वगैरह कुछ भी रखा जा सकता है, डाइनिंग टेबल भी रखा जा सकता है। इसके छोटे बड़े साइज़ बना लीजिए, जहाँ जैसे यूज़ है उसको इस्तेमाल कर लीजिए और पूरी तरह से ये वॉशिंग। तो मैंने यहाँ पर एक मैट और बनाई थी,
तो इस तरह से काम करती हूँ मैं। तो ये थोड़ी सी छोटी बनी है क्योंकि जो राइस बैग था वो थोड़ा छोटा पीस था, तो मैंने कहा चलो छोटा ही सही लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, हाफ इंच छोटी बनी है चारों तरफ से और लगभग उतनी है। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ और आप लोग भी इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए और घर को सजाइए। उम्मीद है आज का ये कतरनों का बचा हुआ सामान जो हमारे घर में पड़ा रहता है जो हम इकट्ठा करके रखते हैं तो उनसे एक अच्छा और सुंदर आइटम बनाया जा सकता है। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन में बटन दबाना ना भूलें। नंदनी के कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।